गूगल ने रिसेंटली एक ही झटके में 12,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ एक ईमेल भेजकर 10,000 लोगों को जॉब से फायर कर दिया। इनफैक्ट अमेज़न भी काफी सारे लोगों को जॉब से निकालने की तैयारी कर रही है, जिसमें 18,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जॉब से हाथ खो बैठेंगे। मार्क ज़करबर्ग ने भी सेम इसी तरीके से सिर्फ एक ईमेल के जरिए 11,000 एम्प्लॉयज, जो कि उनकी टोटल वर्कफोर्स का 13% है, उन सबको फायर कर दिया। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये सिर्फ अमेरिकन कंपनीज की बात नहीं है। अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो कई सारे स्टार्टअप्स जैसे कि अनअकैडमी, बायजूस, ओला, ओयो, मीशो, ये सारी की सारी कंपनीज भी टोटल मिलाकर 21,500 लोगों को अभी तक जॉब से निकाल चुकी है। पर सवाल है क्यों? आखिर क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका मार्केट के अंदर इतना बड़ा नाम है, वो एक ही झटके में अपने इतने सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल रही है? क्या इस सबके पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इस सब से आखिर आपकी और मेरी जिंदगी कैसे इफेक्ट होने वाली है? COVID-19 इस दुनिया ने 2 साल से भी ज्यादा समय के लिए एक बहुत ही बुरा वक्त देखा। बट इफ यू टॉक अबाउट द करंट सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, दैट इज इन्फ्लेशन, अफोर्डेबिलिटी एंड नेशनल डेट। वर्ल्ड वाइड एग्जीक्यूटिव से ये पूछा गया था कि उनको क्या लगता है कि आखिर उनकी कंट्री का सबसे बड़ा थ्रेट क्या हो सकता है, एंड मोस्ट ऑफ इट हैड द सेम आंसर्स लाइक इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये सारी की सारी चीजें आखिर मास लेऑफ से कैसे कनेक्टेड है? सो सी, कोविड के टाइम लोगों की जॉब चली गई थी, बिकॉज ऑफ विच ज्यादातर चीजें जो वो पहले खरीद रहे थे उनको वो अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लोगों का चीजें खरीदना और हमारी कंट्री की GDP का सिंपल इक्वेशन है, लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो GDP बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। लॉकडाउन की वजह से जब लोगों की जॉब चली गई थी तो GDP इतना गिर गया था दैट आवर कंट्री वाज गोइंग थ्रू अ रिसेशन। पर किसी भी इकोनॉमी में आखिर रिसेशन आता कैसे है? सो सी, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले बिजनेस साइकिल को समझना होगा। बिजनेस साइकिल, जिसको हम ट्रेड साइकिल या फिर इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं, बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो साइकिल हमें उन डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताती है जिससे हर एक इकोनॉमी को डील करना पड़ता है। और इस साइकिल का जो मूविंग फ्लो है वो डिपेंड करता है एक कंट्री की GDP के ऊपर। सभी इकोनॉमीज ग्रोथ और डिक्लाइन इन दोनों के दोनों फेजेस को एक्सपीरियंस करती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हर एक कंट्री इन सारी चीजों को सेम टाइम पर एक्सपीरियंस नहीं करती। रिसेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक डिक्लाइन। अगेन, अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो ये जो पोर्शन है, जब कोई भी इकोनॉमी इस स्टेज पर होती है तो दैट मींस कि वो इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। अगर बहुत ही आसान भाषा में समझे तो 2 consecutive quarters तक, यानी कि लगातार 6 महीने तक जब किसी भी इकोनॉमी की GDP ग्रोथ नेगेटिव जा रही होती है तो दैट मींस कि वो इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। और इस रिसेशन का जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, और ये चीज एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है। बट व्हाई? सो देखो, जब इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो उस इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज कम हो जाती है, जिस चीज की वजह से लेबर रिक्वायरमेंट्स भी कम होने लगती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो एक्सेस लेबर है दे लूज देयर जॉब। कोविड के टाइम पर लोग ज्यादा चीजें नहीं खरीद रहे थे, जिस चीज की वजह से बिजनेसेस के पास पैसा नहीं आ रहा था, विच रिजल्टेड इन नेगेटिव GDP ग्रोथ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो एक्सेस लेबर की रिक्वायरमेंट है वो भी कम होने लग गई, जिस चीज के चलते सारे बिजनेसेस ने अपने एक्सेस लेबर स्टाफ को फायर कर दिया। जब वो स्टाफ फायर हुआ तो उनके पास भी खर्चने के लिए पैसे ज्यादा नहीं रहे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन लोगों ने भी मार्केट में जाकर कम पैसे खर्च करना शुरू कर दिया, और ये चीज घूम फिर कर एक साइकिल फॉर्म करती है। देखो, ये एक साइकिल है। जब एक साथ कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बल्क फायर करती है तो क्योंकि वो लोग आगे इकोनॉमी में कम पैसा स्पेंड कर पाते हैं तो वो बिजनेसेस जिनसे देवर परचेजिंग गुड्स वो भी कम पैसा कमाते हैं, जिस चीज के चलते दे ऑल्सो हैव टू फायर देयर एम्प्लॉयज। और जब ये चीज ज्यादा स्नोबॉल करती है तब ज्यादातर लोग अपनी बेसिक डिमांड्स भी पूरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास उस चीज के लिए पैसा ही नहीं बचता, विच इज वाई दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अलग अलग स्कीम्स चला रही थी जब कोविड आया। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो आई कोविड खत्म होने के बाद। जब कोविड खत्म हुआ तो पीपल स्टार्टेड टू परचेज गुड्स, जिस चीज की वजह से डिमांड एकदम से स्काई रॉकेट कर गई। अब मार्केट में गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी बट सप्लाई बहुत ही कम थी, जिस चीज की वजह से अब चीजों के दाम बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ने लग गए। अब जब दाम बढ़ते हैं किसी भी चीज के तो वो सिर्फ जॉब करने वाले लोगों के लिए नहीं बढ़ते, वो चीज बिजनेस वाले लोगों के लिए भी बढ़ती है, जिस चीज की वजह से अब बिजनेसेस के एक्सपेंसेस बढ़ने लगे एंड दे हैड टू कट डाउन ऑन देयर एक्सपेंसेस। सो उन्होंने दोबारा से लोगों को जॉब से निकाल दिया। चीजों का
का प्राइस इतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था कि सेम पहले की तरह ही ज्यादातर चीजें लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो गई। सो इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से देखना। सी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स एवरेज वेजेस बोथ इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग बोनसेस ये बढ़े हैं 6.4% से, वो भी 3 महीने में इन 2022 अगर हम इसको कंपेयर करें 2021 से। बट द प्रॉब्लम इज कि जो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हुआ था दैट वॉज 10.7%। सो यू सी इवन आफ्टर लोगों की इनकम बढ़ी स्टिल दे कैनॉट अफोर्ड थिंग्स क्योंकि जो महंगाई है वो उनकी सैलरी से काफी ज्यादा बढ़ गई। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये जो कॉस्ट बढ़ी ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं बढ़ी बल्कि ये बिजनेसेस के लिए भी बढ़ी। सो बिजनेसेस ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ाने की जगह अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और ज्यादा लोगों को फायर करना शुरू कर दिया। बट वेट अ मिनट, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और ये सारे इंडियन स्टार्टअप्स, क्या ये लोगों को जॉब से सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इनके पीछे ये सारे के सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके ऊपर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते? सो देखो, द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस इज हर्ड मेंटालिटी ऑफ टेक कंपनीज। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक पब्लिक ब्लॉग में खुद के वर्कफोर्स को एड्रेस करते हुए ये कहा था, टू मैच एंड फ्यूल द ग्रोथ वी हायर्ड फॉर अ डिफरेंट इकोनॉमिक रियलिटी देन द वन वी फेस टुडे एंड द रीजन बिहाइंड दिस वाज हर्ड मेंटालिटी। और ये चीज टेक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा होती है, बिकॉज सी टेक के अंदर चीजें बहुत ही ज्यादा स्पीड से बदलती है एंड इफ अ बिजनेस फेल्स टू डू दैट तो वो बिजनेस बहुत ही जल्दी कंपटीशन से बाहर हो जाता है। इसीलिए टेक कंपनीज ट्रेंड पर चलती है, एक दूसरे को इमिटेट करती है। दैट इज द रीजन कि अभी रिसेंटली जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो गूगल ने भी उसके साथ कम्पीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में अपना बार्ड AI लॉन्च कर दिया विच फेल्ड टेरिबली। सो इन अ लॉट ऑफ केसेस अगर आप किसी टेक कंपनी से पूछो कि वो लोग आखिर लोगों को जॉब से क्यों निकाल रहे हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस विल बी देयर आंसर कि हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बाकी टेक कंपनीज भी लोगों को जॉब से निकाल रही है। और अगर इस चीज को एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो देयर इज अ वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस, और ये है वो लॉजिक। मान लो कि गूगल ने 10,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। अब ये 10,000 एम्प्लॉयज अमेज़न से शॉपिंग करते थे, अब क्योंकि इनकी जॉब चली गई है दे विल कट डाउन ऑन देयर एक्सपेंसेस जिसके चलते ये अमेज़न से शॉपिंग नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अमेज़न की सेल्स ड्रॉप होगी जिसके चलते अमेज़न के पास रेवेन्यू भी कम आएगा और प्रॉफिट भी कम आएगा। बट अमेज़न का जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है वो तो फिक्स्ड ही रहता है जिसके चलते अमेज़न अब अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज को फायर कर देगा। सो यू सी जब गूगल ने एम्प्लॉयज फायर करे उसके चलते उसका स्नोबॉल इफेक्ट अमेज़न के ऊपर भी आया और अमेज़न ने भी अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। और जब मार्केट में ये होगा तो इस चीज को देखते देखते बाकी टेक कंपनीज जैसे कि फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, स्ट्राइप, शॉपिफाई, नेटफ्लिक्स ये सारी की सारी कंपनीज भी अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करने के बारे में सोचेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गूगल कर रहा है और अमेज़न कर रहा है, सो देर माइट बी अ रीजन। सी बिजनेस वर्ल्ड में ना डेली बेसिस पर ऐसे कई सारे डिसीजंस लिए जाते हैं जो कि आइडली हम जैसे लोगों को समझ में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को बिजनेसेस के अंदर आखिर चीजें कैसे चलती हैं और क्या क्या चीजें होती हैं उस चीज की नॉलेज होती ही नहीं है। एक कंपनी खड़ी कैसे होती है, बिजनेस बिल्ड कैसे होता है, आखिर किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या चीजें करनी होती है और क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। इनफैक्ट वो कौन से बिजनेस डिसीजन है जो कि ज्यादातर लोगों को अच्छे तो नहीं लगते हैं बट बिजनेस को बचाने के लिए बिजनेस ओनर्स को लेने पड़ते हैं, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होता है जो कि एक्चुअली में स्क्रैच से एक बिजनेस को बिल्ड कर चुके होते हैं। और ये सारी की सारी नॉलेज हम जैसे आम लोगों को कभी मिल ही नहीं पाती है। जैसे अश्नीर ग्रोवर सर ने पहले एक बैंक में काम किया, उसके बाद उन्होंने PC ज्वेलर्स में काम किया, जिसके बाद उन्होंने ग्रोफर्स चलाया और ग्रोफर्स को अच्छा बिल्ड करने के बाद उन्होंने भारत पे बनाया। एंड आज भी अगर आप देखोगे तो वो अपना अगला स्टार्टअप बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी के अंदर उन्होंने कई सारी गलतियां भी करी और उन्होंने कई सारी चीजें सही भी करी, और इस सब के दौरान उन्होंने जो भी चीजें सीखी वो सारी की सारी चीजें उन्होंने अपनी इस बुक दोगलापन में लोगों को बताई है। और मैं खुद भी टाइम और पैसे इन दोनों चीजों को बचाने पर फोकस करता हूँ, बट मेरे को साथ साथ वो बिजनेस की नॉलेज भी चाहिए थी जो अश्नीर सर ने इतने सालों में हासिल करी। तो सिंपल, मैंने कुको FM के ऊपर दोगलापन ये ऑडियो बुक सुनकर वो सारी की सारी नॉलेज ले ली जिसको लेने में अश्नीर सर को इतना ज्यादा टाइम लगा, और वो भी बहुत ही कम पैसे खर्च करके और बहुत ही कम टाइम देकर। मैंने रोज सुबह ब्रेकफास्ट करते करते 3 से 4 एपिसोड खत्म करे, और आप मानोगे नहीं कि 4 दिन के अंदर अंदर मेरे को वो सारी की सारी नॉलेज मिल गई जिसको लेने में अश्नीर सर को इतना ज्यादा टाइम लगा था। है ना कितना अमेजिंग। देखो मेरे को आज कुको FM यूज करते हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, और मैं ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतने कम पैसों में 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स, शोज और बुक समरीज आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिलेगी। सो अगर आपको ये चीज वैल्यूएबल लगती है तो आप भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर जो लिंक है वहां से जाकर कुको FM को डाउनलोड करके अपनी नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड आदि50 यूज करोगे तो आपको अपने कुको FM के फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि वो आपका हो सकता है सिर्फ ₹49 के अंदर।
है ना कितना जबरदस्त। लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। लिमिटेड ऑफर है, चॉइस आपकी है। रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कई सारे देश की गवर्नमेंट ने अपने ट्रेड रिलेशंस को रीअसेस करना पड़ा, जिसके साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज ने बैक टू बैक रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, पर ये चीज पूरी दुनिया को बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ी। एंड आई टेल यू व्हाई। सी, रशिया एंड यूक्रेन, इन दोनों कंट्रीज से काफी ज्यादा कमोडिटीज बहुत ही बड़ी वॉल्यूम्स में अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो, रशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस, निकल एंड व्हीट, व्हाइल यूक्रेन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सनफ्लावर सीड ऑयल। अब जब यूएस ने रशिया से इम्पोर्ट पर बैन लगाया तो दिस इज व्हाट हैपेंड। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगाए गए, जिसके बाद रशिया ने एक्सपोर्ट्स को स्टॉप कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फूड और एनर्जी, ये दोनों क्राइसिस आए और इन चीजों के दाम बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगे। सप्लाई चेन के अंदर डिसरप्शन हुआ और बहुत सारे ले ऑफ होने लगे पूरे वर्ल्ड वाइड। रशिया ने अपनी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1, जो कि पूरे के पूरे यूरोप को नेचुरल गैस सप्लाई करती थी, उसको क्लोज कर दिया, तब तक जब तक यूएस अपने सैंक्शंस नहीं हटाता। सो अब क्योंकि रशिया ने अपनी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया है, तो अब कंट्रीज को बाकी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है ताकि उनको नेचुरल गैस मिल पाए। एंड द बेसिक इक्वेशन टर्न अराउंड। क्यों? क्योंकि अब नेचुरल गैस की सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है और डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई है, जिस चीज की वजह से वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही बड़ा फूड और एनर्जी क्राइसिस आया और काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज को ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल्स और फर्टिलाइजर्स, ऐसी बेसिक कमोडिटीज की शॉर्टेज होने लगी। प्लस क्रूड ऑयल के प्राइसेस अपने हाईएस्ट लेवल पर रीच कर गए एज कम्पेयर टू 2013। क्रूड ऑयल प्राइसेस इन मार्च 2022 एवरेज एट $123 पर बैरल। मार्च 2022 यूरोपियन नेचुरल गैस का प्राइस 7 गुना महंगा था मार्च 2021 से, वाइल ओवर द सेम पीरियड साउथ अफ्रीकन कोल प्राइसेस ट्रिपल हो चुके थे और ये सारे के सारे प्राइस एक ऑल टाइम हाई पर चल रहे थे। प्लस नेचुरल गैस और कोल के प्राइस बढ़ने की वजह से जो फर्टिलाइजर्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी और ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फर्टिलाइजर्स की भी कॉस्ट बढ़ गई थी और जो लोग एक्चुअली में क्रॉप्स उगा रहे थे उनको फर्टिलाइजर्स महंगे पड़ने लगे और वो भी उतने क्रॉप्स नहीं उगा पाए, जिसकी वजह से एक फूड क्राइसिस भी आया। वर्ल्ड बैंक का ब्रॉड फूड कमोडिटी इंडेक्स 14% से बढ़ा 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में एंड इट स्टैंड्स नियरली 20% हायर देन जो वो था 2021 में। सो जिस चीज की वजह से बहुत सारे ट्रेड डिस्ट्रप्शंस आए और हाई इनपुट कॉस्ट की वजह से अब प्रोडक्शन भी कम हो चुका है। इनफैक्ट जगह जगह पर पावर कट्स होने लगे, लोग भूखे मरने लगे। ये रशिया यूक्रेन वॉर का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इट लेड टू राइजिंग द कमोडिटी प्राइसेस एंड द एनर्जी प्राइसेस, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया एंड दिस कॉज्ड मैसिव इन्फ्लेशन। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब इन्फ्लेशन आता है तो कंपनीज के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है दैट दे हैव टू इंप्रूव देयर प्रॉफिट मार्जिन्स, और ये सब करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कॉस्ट कटिंग। और क्योंकि एक कंपनी की सबसे बड़ी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसके एम्प्लॉयज, तो कंपनी सबसे पहले एम्प्लॉयज को फायर करना शुरू करती है। बट वेट अ मिनट, अगर इन कंपनीज को इन लोगों को जॉब से निकालना ही था तो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आखिर इन लोगों को हायर क्यों किया? सो इस चीज को समझने के लिए हम एक सिचुएशनल इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे। नाउ लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। सो एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कोविड के टाइम पर और कोविड के बाद के टाइम पर। सी, जब कोविड चल रहा था तो काफी सारी डिजिटल कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, अमेज़न, बायजूस, अनअकैडमी, इन सब की जो डिजिटल प्रोडक्ट्स की डिमांड थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी, बट सप्लाई उतनी नहीं थी। तो उस सप्लाई को पुल ऑफ करने के लिए, प्लस क्योंकि उस टाइम पर काफी सारे वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज हो रहा था, ये सारा का सारा पैसा इन सब की सब कंपनीज के पास आया। अब इनके पास पैसे थे और इनको सप्लाई को पुल अप करना था, जिस चीज को करने के लिए इन्होंने मैसिव हायरिंग करना शुरू किया। व्हाई? बिकॉज दे वर बेटिंग ऑन द ग्रोथ। अब जब वो लोग ग्रोथ के ऊपर पैसा लगा रहे थे तो उनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे वो काफी ज्यादा कम हो गए थे, जिसके बाद अब आते हैं हम उस सिनेरियो में कि आखिर कोविड के बाद क्या हुआ। सो कोविड के बाद जो लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे थे, अब वो डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट्स, इन दोनों प्रोडक्ट्स की तरफ जाने लगे, जिसकी वजह से जो डिमांड कोविड के टाइम पर बढ़ी थी वो डिमांड अब कम हो गई थी, बट सप्लाई इस वक्त बहुत ही ज्यादा थी। सो रिसेशन आया। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ही कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो चीजों के प्राइसेस कम होने लग गए, बिजनेसेस के पास कम पैसा आया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ग्रोथ कम हो गई, लेकिन अब बिजनेसेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो खुद को सस्टेन करे, तो फोकस चला गया सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। अब टू सस्टेन इन द बिजनेस दे हैड टू कंट्रोल देयर मार्जिन्स।
जिसकी वजह से उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, अपने जो एक्सेस एम्प्लॉयज उन्होंने कोविड के टाइम पे हायर करे थे उनको फायर करने का। सो अगेन ऑल ऑफ इट बॉयल्स डाउन टू सप्लाई एंड डिमांड। कोविड के बाद कई सारे बिजनेसेस ऐसे थे जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से पिकअप करने लगे, जैसे कि एयरलाइंस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, रिटेल एटसेट्रा। बट अगेन द प्रॉब्लम वॉज कि जब कोविड हुआ था तो इन्हीं बिजनेसेस ने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए अपने काफी ज्यादा स्टाफ को फायर कर दिया था। बट अब जब सिचुएशन ठीक हुई और डिमांड बढ़ गई है तो सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इन सारे बिजनेसेस को बहुत ही तेजी से हायरिंग करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज की। बट जिस स्पीड से इन्होंने फायर किया था, ये लोग उस स्पीड से हायर करके उस सप्लाई को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी वर्ल्ड वाइड या फिर किसी भी कंट्री के अंदर कोई एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस चीज का हम जैसे आम लोगों के ऊपर आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अमेज़न ने अपने 99,000 एम्प्लॉयज को फायर किया सेकंड क्वार्टर के अंदर आफ्टर डबलिंग इट्स साइज इन द पैंडेमिक। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उनको अपने वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए लोगों की जरूरत थी। Shopify, whose cloud technology helped retailers build and manage online stores, उन्होंने 1,000 वर्कर्स को फायर कर दिया, जो कि उनके ग्लोबल वर्कफोर्स का 10% है। The company had doubled its headcount over a 2-year period, starting at the beginning of 2022. And as the business boomed, जब number of stores, number of restaurants Shopify के ऊपर बढ़ने लगे, digital जाने लगे, तो उनको और ज़्यादा employees की ज़रूरत पड़ने लगी। Meta, यानी कि Facebook की story भी कुछ अलग नहीं है। जब COVID खत्म हुआ, तो Facebook और Instagram के ऊपर advertisers कम होने लगे, जिसकी वजह से जो revenue है, वो बहुत ही speed से drop होने लगा। लगातार 6 महीने तक रेवेन्यू के ड्रॉप को देखते हुए फेसबुक ने कोविड के टाइम पर जो अपना वर्कफोर्स 60% इंक्रीज किया था, उन सबको फायर कर दिया। और ये करते हुए मार्क ज़करबर्ग ने ये कहा, दिस इज द पीरियड दैट डिमांड्स मोर इंटेंसिटी एंड आई एक्सपेक्ट अस टू गेट मोर डन विद फ्यूअर रिसोर्सेज। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, विच ग्रू इट्स वर्कफोर्स बाय 30% ड्यूरिंग 2 years ऑफ कोविड, उन्होंने रिसेंटली अपने एम्प्लॉयज को ये कहा दैट दे नीड टू फोकस एंड इम्प्रूव ऑन प्रोडक्टिविटी। लेकिन इस सबके बीच में एक ऐसी चीज छुपी हुई है जिससे हम इंडियंस को बहुत ही ज्यादा फायदा भी हो सकता है, एंड दैट इज ब्रेन ड्रेन रिवर्सल। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, ट्विटर, इन सभी कंपनीज के अंदर इंडियन वर्कफोर्स काफी ज्यादा है और इनमें से ज्यादातर लोग वेस्टर्न कंट्रीज में सिर्फ इसलिए शिफ्ट करे थे बिकॉज दे गॉट अ जॉब फ्रॉम दीज कंपनीज। प्लस ये सारी की सारी कंपनीज के जितने भी ऑफिसेज हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, वहां पर काफी सारे लोगों को फायर करा जा रहा है। लेकिन जो हमारी इंडियन टेक कंपनीज हैं, उनको ये चीज एज एन अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन क्यों? सी, क्योंकि वही मैन पावर जिनको अभी तक ये सारी की सारी फॉरेन कंपनीज अपने यहाँ पर लेकर चली गई थी, अब वो मैन पावर खाली है और उस मैन पावर को इंडियन टेक कंपनीज एक बहुत ही अच्छे प्राइस पर हायर करके अपने यहाँ ला सकती है। एंड दिस इज वेयर द एक्चुअल गेम बिगिंस। क्या आपने कभी सोचा है कि TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL, ये सारी की सारी कंपनीज आखिर लगातार हर साल ग्रो कैसे कर रही है और ये सारी की सारी कंपनीज के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज साल भर साल बढ़ते ही जा रहे हैं? लेकिन क्यों? सो लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। Amazon, Google, Microsoft, जब ये कंपनीज बल्क फायरिंग करती है तो ये जो इंडियन टेक कंपनीज है उनको एक बहुत ही ज्यादा चीप मैन पावर अवेलेबल हो जाती है, मैनेजरियल और टेक्निकल दोनों। अब ये कंपनीज जैसे कि TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये लोग मैनेजरियल स्टाफ को हायर करके लाते हैं एट अ वेरी गुड कॉस्ट ताकि वो लोग इनके एम्प्लॉयज को मैनेज कर पाए। बट अब टेक्निकल स्टाफ भी चाहिए, सो वो कैसे आएगा? वेल, अब जिन लोगों को इन कंपनीज ने फायर करा है उनको ये इंडियन कंपनीज बल्क हायर करती है। अब यहाँ पर ये कंपनीज आखिर बल्क हायरिंग कर क्यों रही है, इसमें इन कंपनीज का क्या फायदा? वेल, सी दिस वेरी वेरी केयरफुली। ये कंपनीज उन फायर्ड एम्प्लॉयज को और साथ ही साथ बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर बहुत सारी टेक्निकल मैन पावर को बल्क में हायर करके लाती है, जिसके बाद ये कंपनीज वेस्टर्न कंपनीज को आउटसोर्स सर्विसेज देती है और इन सारे लोगों को जिनको वो लेकर आई है, बल्क हायरिंग करके लाई है, इनकी सर्विसेज को आवरली बेसिस पर सेल करती है। एंड द इक्वेशन इज वेरी सिंपल। वेस्टर्न कंपनीज इन कंपनीज को पैसे देती है डॉलर्स में और ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को पैसे देती है रुपीज के अंदर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि TCS 10,000 एम्प्लॉयज को बल्क हायर करती है। अब इन दिस सिनेरियो हो सकता है कि 50% वर्कफोर्स बहुत ही कम प्रोडक्टिव हो, लेकिन जो बची हुई 50% है हो सकता है कि वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है। सो अगर ये रेशियो है तो इन दिस सिनेरियो कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दोनों तरीके के एम्प्लॉयज को, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव, इन दोनों को आवरली बेसिस पर बिल किया जा रहा है। तो जो वेस्टर्न कंपनी है वो TCS को पैसे दे रही है इन लोगों के आवरली बेसिस ऑफ वर्क के ऊपर। सो मान लो अगर एक वेस्टर्न कंपनी $20 पर आवर का पे कर रही है तो 20 × 8, अगर एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा है, 20 × 8 × 10,000 एम्प्लॉयज इक्वल्स $1.6 million अ डे। ये पैसा ये वेस्टर्न कंपनी TCS को पे कर रही है। वहीं पर
जो TCS है, TCS यहाँ पर इंडिया में बैठे हुए अपने इन एम्प्लॉयज से $5 पर आवर पर काम करवा सकती है। अब $5 पर आवर पे उनका प्रोडक्टिव एम्प्लॉय भी काम कर रहा है और अनप्रोडक्टिव या फिर कम प्रोडक्टिव जो एम्प्लॉय है वो भी काम कर रहा है, बट अल्टीमेटली जो टोटल ओवरऑल काम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो TCS यहाँ पर $15 पर आवर का प्रॉफिट कमा रही है पर एम्प्लॉय, इवन इफ द एम्प्लॉय इज वेरी प्रोडक्टिव और अगर एम्प्लॉय बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं भी है तो भी। इसलिए जब वो बल्क हायर करते हैं तो उसमें से कुछ परसेंटेज बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव चाहिए होते हैं और बाकी अगर उतने प्रोडक्टिव नहीं भी होंगे तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों तरीके के लोगों को आवरली बेसिस पर बिल करते हैं बाहर की कंपनीज के थ्रू। इसीलिए यू विल ऑलवेज सी कि जब भी वेस्टर्न कंपनीज इन सारे के सारे एम्प्लॉयज को फायर कर रही होती है, वहीं पर ऑन दी अदर हैंड जो हमारी इंडियन कंपनीज है वो इन सारे एम्प्लॉयज को उसी वक्त हायर कर रही होती है। और इस आवरली बिलिंग रेट का जो डिफरेंस है इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में, इसके चलते जो इंडिया के IT कंपनीज है, बड़ी बड़ी TCS, विप्रो, इंफोसिस, HCL, ये लोग हमेशा नॉन परफॉर्मर्स को ही फायर करते हैं और एवरेज परफॉर्मर्स ज्यादातर इन कंपनीज में स्टे कर जाते हैं, विच इज वाई ये कंपनीज हर साल अपने एम्प्लॉयज के नंबर्स को बढ़ाती जाती है। बट स्टिल एज अ पर्सन, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए और आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो तो आपको नॉलेज और स्किल्स इन दोनों चीजों की सख्त जरूरत है। देखो मैं तो अपने फ्री टाइम में कुको FM के ऊपर ऑडियो बुक सुनकर अपनी नॉलेज को बढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि कुको FM के ऊपर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक शोज और समरीज हैं और प्राइस सिर्फ ₹99। और बेस्ट चीज तो ये है कि अगर आप मेरा कूपन कोड आदि50 यूज करते हो तो आपको अपने कुको FM के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ₹99 की चीज सिर्फ ₹49 में मिल जाएगी। आपको इतने कम प्राइस पे हार्डली कहीं पर इतनी सारी नॉलेज मिलेगी। सो कुको FM का लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो और मेरा कूपन कोड आदि50 यूज करना बिल्कुल मत भूलना। स्टार्टअप्स, जब भी कोई स्टार्टअप अपना IPO लेकर आता है तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, एंड स्पेशली तब जब उस स्टार्टअप का बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम हो, जैसे कि Zomato। लेकिन Zomato के IPO में जिसने पैसा लगाया उनमें से ज्यादातर लोग अपना 64% पैसा गवा चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि Zomato के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। अगर आप ये राइट वाली वीडियो देखोगे ना तो आप भी जान जाओगे।